यो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना एक टेक्निकल पॉइंट। तो भाई लोग कैसे हैं आप सब लोग? एंड गाइज प्लीज इस वाले वीडियो पे कलवे की हंसी को देखते हुए 15,000 लाइक का एम है। प्लीज गाइज कंप्लीट करवा देना। कल भाइयों ने बहुत इज्जत रखी, 10,000 से भी हमारे ज्यादा लाइक हो गए। तो प्लीज यार इस वीडियो पे 15,000 लाइक का एम है दोस्तों, प्लीज कंप्लीट करवा देना, प्लीज 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 प्लीज। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है? तो दोस्तों अभी जस्ट थोड़ी देर पहले माइकल दादा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि गाड़ी में तो बहुत अच्छी चल रही है, बस सर्विस वगैरह करानी है। वो जो बुगाटी शिरॉन मैंने उनको बेची है, तो जिन लोगों ने कल का एपिसोड नहीं देखा है, कल हमारे पास पैसे आ गए थे। वेट आई विल शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ जितने पैसे आए थे। ये देखो दोस्तों, ये भी पैसे रखे हैं और वो पीछे रखे हैं। तो ये सारे पैसे जितने भी थे ना, मैंने सारे के सारे गिन लिए थे, पैसे पूरे हैं। और जो बैंक में ट्रांजैक्शन हुई थी वो अलग है और ये अलग है, पूरे के पूरे पैसे आ गए थे जितने भी हमारी बात हुई थी, ठीक है? तो अब खबर मिलती है सबसे पहले वरुण धवन की कार की, ठीक है? तो वरुण धवन की गाड़ी के बारे में क्या, जितनी भी हमें लेस्टर से इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी लेस्टर को फ़ोन किया था, तो लेस्टर कह रहा है कि गाड़ी जो है प्योर चांदी की है, पूरी चांदी की गाड़ी है, ठीक है? पूरी चांदी की बना रखी है, एक एक चीज़। तुम चाहे तो उसको सोने की बनवा सकते हो, बट वो पूरी गाड़ी चांदी की है, ठीक है? उस चांदी के साथ साथ गाड़ी का जो मॉडल है वो एक यूनिक ही कार है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, ठीक है? बट स्पीड बुगाटी शिरॉन सबसे फास्टेस्ट कारों में से एक है, उसका डिज़ाइन, ठीक है? तो वो अरबों रुपए की कार है दोस्तों, बुगाटी शिरॉन से भी महंगी है वो, जो सलमान खान की गाड़ी थी उससे भी महंगी है वो। तो मैंने कहा ठीक है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर मैं अपनी ऐसा नॉर्मल फेस लेकर तो जा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर देख लिया उसके लिए पहले मेरे को अपना भेस बदलना पड़ेगा, तब मैं वहाँ पर जाऊँगा। आज तो मैं गाड़ी को चुरा भी नहीं सकता हूँ दोस्तों वहाँ से। क्यों नहीं चुरा सकता हूँ मैं आपको रीज़न बताऊँगा। वहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, पुलिस वाले, FIB वाले, जिस प्लेन के अंदर वो गाड़ी है ना, प्लेन भी वहीं खड़ा है, सिक्योरिटी में खड़ी है। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पर लोग मीडिया वाले उस कार के फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे हैं, इसलिए वहाँ पर खड़ी की गई है। अभी थोड़ी देर में ही, एक घंटे बाद वो वहाँ पर आएगी लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उसके बाद एक घंटे के बाद वो चली जाएगी मिलिट्री बेस में खड़ी होने वाली है दोस्तों जाकर वो। और हमें वो गाड़ी जो है चोरी छुपे मिलिट्री बेस से चुरानी पड़ेगी, यहाँ से तो चुरानी इम्पॉसिबल है, यहाँ से तो हम चुरा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज अभी हमें जाना होगा सबसे पहले बाहर जाकर, पैसे तो देखो रखा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों का सबसे पहले एक तो मैं लेने की सोच रहा हूँ, एक बंगला ले लूँगा, एक बहुत ही बड़ा सा, पहले मेरे को एक ये गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है? इसको लेकर मैं ट्रैवर को बेचूंगा, ट्रैवर को बलि का बकरा बनाऊंगा, क्योंकि इस टाइम ट्रैवर भी बहुत ज़्यादा अमीर हो रखा है और ट्रैवर के पास ही बहुत सारा पैसा है दोस्तों। अभी आपने अगर आरिश खान पर हमें फॉलो करते हैं तो आपने उसका वहाँ पर घर देख लिया होगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को जो है अगर मैं चोरी करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मैं इसको ड्राइवर को बेच दूंगा और वो मुझे मुंह मांगी रकम भी दे देगा, क्योंकि इस टाइम उसके पास बहुत पैसा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो सबसे पहले तो मुझे उस गाड़ी को देखने के लिए अभी जाना पड़ेगा, सबसे पहले बाहर जाकर मुझे सबसे पहले तो नाई की दुकान पर जाना है, अपने हुलिया चेंज कराना है पूरा, ठीक है? अपना हुलिया चेंज कराने के बाद कपड़े वपड़े पहनने हैं, और कपड़े वपड़े पहनने के बाद फिर दोस्तों रफू चक्कर हो जाना है। तो सबसे पहले नाई की दुकान पर चल रहे हैं, सबसे पहले हमें नेविगेशन लगाना होगा, नाई की दुकान पर भी जाना है। नाई की दुकान के साथ साथ ही हमें जो है अपने थोड़े कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि भाई अगर ऐसे ही गए तो भाई पकड़े भी जा सकते हैं। और मैं बाइक पर सोच रहा हूँ जाने की, अब बाइक पर जाऊँ या फिर किसी और चीज़ पर हो तो वहाँ पर जाकर पता भी चल जाएगा। चलो भाई आराम से। सीरियसली? यस मैडम जी, सीरियसली हम तो भैया बैंकर हैं। चलो यार, वैसे यहाँ पर गलियों में अब मकान बहुत ही हो गए, मैं सोच रहा हूँ ना कोई सुनसान इलाके में मकान बनाऊँगा, क्योंकि एक मैंशन बनाऊँगा अपना बहुत बड़ा सा, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होगी। बस एक गाड़ी बेच के तो इतना पैसा आ गया, एक गाड़ी और बेच दूँ तो बहुत पैसा आ जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल ना भी थोड़ी गरीबत सी चल रही है यार अपने ऊपर, तो एक बार पैसा पैसा हो जाए ना तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। और ये वरुण धवन की गाड़ी बस एक बार मैं चुरा लूँ तो इसकी तो कीमत उससे भी ज़्यादा होने वाली है। और मैं सोच रहा हूँ ना वरुण धवन की गाड़ी चुरा कर ना पियक्कड़ को ही बेचूँ, ये जो ड्राइवर है इसी को बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बार्बर की शॉप पर आ गए, बार्बर की शॉप पर आ गए। चलो, हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हो? हेलो मैडम जी, आई मैडम जी, बाल तो देखो जरा, हेयर स्टाइल कौन कौन से हैं मेरे को, बिल्कुल हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज करना होगा दोस्तों। ओके
गंजा हो जाता हूँ दोस्तों, गंजा हो जाता हूँ, क्योंकि हेयर तो बाद में भी आ जाएंगे, क्योंकि $20 में गंजा हो गया। चलो बढ़िया, क्योंकि मुझे अपना हुलिया सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। बियर्ड, हाँ ये बियर्ड, ये वाली, ताकि कोई पहचान ही ना पाए दोस्तों। या अब मेरे ख्याल से कोई नहीं पहचान पाएगा। कटप्पा मामा आ रहे हैं, चलो। थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा ये लुक चेंज करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। Whatever, dude. और दोस्तों यहीं पर आ गया कपड़ों की दुकान है, तो कपड़े भी भैया थोड़ी बहुत ही तो खरीदारी करनी पड़ेगी, बिना खरीदारी किए तो हम कहीं भी नहीं जाते हैं, तो कपड़े थोड़े से परचेज कर लेते हैं। ओके यार, यहाँ पर पुलिस वालों का पंगा डला ही रहता है, 24 घंटे पुलिस वालों का पंगा डला रहता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि आज मतलब पुलिस वालों का पंगा ना पड़े, हमेशा ही पड़ता रहता है। तो हम यहीं से अपने सारे कपड़े जो है खरीदते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो ये नहीं चाहिए, सबसे पहले तो पैंट ले लेता हूँ, ये लाल कलर की पैंट अच्छी लग रही है, एकदम जोकर सा मैं लगूँ ना, सही है, एकदम यूनिक सा बालाज गैंग वालों जैसा ना पहन लूँ। नहीं यार ये तो अच्छा है, ये सही लग रहा है, चलो मैं एकदम अलग सा ही लगना चाहता हूँ, ताकि कोई पहचान पाए ना मेरे को। शूज़, ओके तो शूज़ पहन लेते हैं ये वाले, ताकि इनसे कोई मार्क ना हो, और हैट पहन लेते हैं, रेड कलर की हैट। तो दोस्तों हमने अपना हुलिया जो है पूरा का पूरा चेंज कर लिया, अब देखो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रैंकलिन है या फिर कलुआ है, कोई भी नहीं पहचान पा रहा है दोस्तों। ठीक है, कोई भी नहीं पहचान पा रहा है हमें कि ये हम ही है या फिर कोई और है। तो अब सबसे पहले कि मुझे अपने घर पर जाना है। ओके चलो बढ़िया, अब ये तो हमने कर लिया, अब घर पर जाकर पहले अपनी तो गाड़ी को तो वहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा, फिर मुझे किसी का व्हीकल चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चोरी की गाड़ी से वहाँ पर जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी से तो जाने से रहा भाई, क्योंकि इसके कागज़ जो है मेरे नाम पर हैं, और अगर मेरे नाम वाली गाड़ी वहाँ पर पकड़ी गई कभी भी अगर कुछ हो गया तो भाई पंगा डल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊँ, मैं तो अपनी गाड़ी कहीं पर भी ले जाता, जो मेरे पर्सनल व्हीकल्स हैं मैं चोरी करके किसी की घर में से गाड़ी चुरा कर ही लेकर जाऊँगा, आज भी ऐसे ही करूँगा मैं, क्योंकि हमेशा दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए, वरना भाई पकड़े जाओ ना तो भाई बहुत वो होगा। चलो ये पिछला रास्ता ही जा रहा है अपने घर की ओर, अपना घर ऊपर पहाड़ी पर ही है, वो गड्डी जाती है छलंगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी, कलुआ कह रहा है मैनू याद आवे मेरे यार दी, शिमला वाले रोड है यहाँ पर, चलो मोड़ लो। अरे भैया कहाँ आ रहे हो यार, हमें तो जाने दे दो, तनिक बिल्कुल ही नीचे आ रहे हो तुम भी, स्पीड लिमिट 25 का मैंने बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे, खैर कोई मानता नहीं। जाने से पहले मुझे अपनी दोनों की दोनों गाड़ी अंदर गैराज में लगा देनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई दिक्कत हो जाती है ना कि नहीं यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है ना, तो फिर बंदे दिक्कत करते हैं, इसलिए अंदर कर देता हूँ दोनों की दोनों गाड़ियाँ। चलो वो उस दिन गाड़ी यार मेरी बुगाटी शिरोन यहीं पर खड़ी थी, पर कोई बात नहीं दोस्तों, होता है, जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे पैसा तो आ जाए एक बार, फिर तो गाड़ियाँ भी अपनी एक से एक होंगी अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक बार अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, अब मुझे यहाँ पर वेट करना है लेस्टर के फ़ोन का, क्योंकि जब लेस्टर का फ़ोन आएगा तभी जो है मैं यहाँ से जो है निकलूँगा आगे के लिए, क्योंकि जब तक लेस्टर फ़ोन नहीं करेगा ना, अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि वहाँ पर कार आ गई है या फिर नहीं आई है वहाँ पर, अभी कार अगर आई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले कार भी तो आना वो कंपलसरी है ना, पहले एक बार वहाँ पर गाड़ी आ जाए तब तक हम थोड़ा सा टीवी देख लेते। ठीक है भाई, लेस्टर का दोस्तों कॉल आया था अभी, हमने बात कर ली उससे, तो वो कह रहा है कि जस्ट 15 मिनट में वहाँ पर सब कुछ जो है अरेंज हो जाएगा, गाड़ी को
निकाल कर जो है वहाँ पर खड़ी करी जा रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी 10-15 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसने कहा कि तुमने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया है, और ये मेरा दिमाग नहीं था कि मैं अपना हुलिया चेंज करके जाने वाला हूँ। ये सब कुछ जितनी भी लिखा पड़ी है भाई, सब कुछ लेस्टर ने कहा है कि अपना, पहली बात तो अपना हुलिया चेंज करके जाना, वहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए किसी को, और किसी का व्हीकल चोरी करके जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, व्हीकल तो चोरी कर लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी देखता हूँ कि मेरे पड़ोस में किसी गाड़ी खड़ी है क्या, क्योंकि इन पड़ोसियों की भी गाड़ी खड़ी रहती है ना। अगर मैं इन्हीं की गाड़ी चुरा कर ले जाऊँ, किसी को क्या पता चलने वाला है कि मैंने चुराई है, किसी और ने चुराई है। खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है। क्योंकि ये तो सोते रहते हैं दिन में, इतने तो निकल भी जाऊंगा मैं। क्योंकि मैंने गाड़ी में एक वो लगा रखी है, क्या कहते हैं, एक ऐसी चाबी बनवा रखी है मैंने, जिससे मैं किसी की भी गाड़ी खोल लेता हूँ एक मिनट में। भाई कलवे के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है भाई, ऐसे नहीं है बंदा, तुमने ऐसे ही सोच लिया। अभी सबसे पहले हमें चोरी की गाड़ी लेकर जाना है। मैं जाऊँगा ये पिछले वाला जो गेट है ना, यहाँ से नहीं जा पाऊँगा मैं। सबसे पहले चलो मुझे यहाँ पर पहुँचना है। चलो भाई, किसी और की गाड़ी चुराई, पेट्रोल तो है भाई गाड़ी के अंदर। क्या बात है यार, दूसरे की गाड़ी में बंदे पेट्रोल तो बहुत रखते हैं यार, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी दोस्तों। चलो आराम से आराम से, मेरे को ज़्यादा जल्दी भी नहीं है दोस्तों, आराम से चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बस एक बार पहुँच जाऊँ ना मैं वहाँ पर। अरे आराम से भैया आराम से, यहाँ पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही आज। हेलो सर, क्या कर रहे हो, घर पर जाओ, अपने घर पर जाओ, घर पर, बाहर घूमना अलाउ नहीं है। अरे क्या हो रहा है, जाम लग गया क्या यार, पता नहीं इस वाले रोड पे ना दोस्तों हमेशा जाम लगा रहे, वे हमेशा जाम लगा रहे, वे जब भी मैं आता हूँ ना, कितनी बार आ गया, ठोक दे बेटे ठोक दे, फ्री की गाड़ी है ना यार, जिस बंदे की गाड़ी है ना। चलो बेसिकली उसे तो कार तो मिल ही जाएगी, मैं एयरपोर्ट पर ही छोड़ दूंगा, सिर्फ जाते हुए मेरे को कार की नीड है, ठीक है, ताकि कोई अगर बंदा मेरे को देख भी ले ये कौन था, ऑरेंज कार में कौन आया, तो उन्हें ज़्यादा शक ना हो, ठीक है। जाते हुए तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, जब वो बंदा कंप्लेन लिखवाएगा अपनी चोरी हुई हुई गाड़ी की, तो उसे एयरपोर्ट पे से तो मिली जाएगी। जब पुलिस वाले छानबीन करेंगे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, है तो मेरा पड़ोसी पड़ोसी की गाड़ी चोरी कर ली कलवे ने। बहुत ही तेज़ है यार, पड़ोसी की गाड़ी चोरी कर लेते हैं हम तो भाई। चलो आराम से, ज़्यादा भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से चलते रहो बस। पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, कलवा बेसिकली ये वाला कलवे का गाना फेवरेट है। अरे यही वाली मेरी गाड़ी है ना, बट ये ऑरेंज है, ये मैट ऑरेंज है, मैट ऑरेंज ही है ना बंदे, गाड़ी बढ़िया है। काश ऐसी भी कार्स होती जिनको हम आसानी से चुरा लेते। अब ये वरुण धवन वाली कार को चुराना, ओ भाई मैं डर गया, मैंने कहा भाई पुलिस मेरे पीछे पड़ गई क्या, मैं डर गया दोस्तों एकदम, मैंने कहा भाई पुलिस, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं यार, पुलिस कहाँ से आ गई इतनी सारी एकदम। हाँ क्योंकि करने से पहले ही अगर पहले ही पुलिस भाई पड़ जाए तो भाई बंदा अपनी होप ही खो देता है। अभी देखना पड़ेगा मेरे को, मीडिया के पास से ही जाना पड़ेगा अंदर, कि भाई मैं मीडिया वाला हूँ, क्योंकि ऐसे तो जाने भी नहीं देंगे। और शायद 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 मेरे ख्याल से तो मेन एंट्रेंस से शायद जाने भी ना दें, जहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही हाई सिक्योरिटी होने वाली है, और मेरे पास तो कोई पास भी नहीं है वहाँ दिखाने के लिए। और जब से वो सलमान खान की भाई कार चोरी हुई ना, तब से बहुत ही टाइट सिक्योरिटी कर दी है। ये रहा पहला वो, तो पार्किंग लॉट है यहाँ पर, चाहो तो तुम अपनी कार पे पार्किंग लगा सकते हो, बट मुझे पार्किंग में नहीं लगानी है इस टाइम, मेरे को एयरपोर्ट पर जाना है। अभी देखना पड़ेगा, चलो ये वाला एक रोड जाता है, देखो सामने वाले से तो मैं जा नहीं सकता, पहले देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर गार्ड ना खड़ा हो तो मैं चला जाऊँगा अंदर से। खड़ा है भाई, खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है, देखो ज़रा गार्ड ही है ना, कोई और है, फ़ोन से ज़रा जूम करके देखूँ क्या, फ़ोन से जूम करके देखूँ क्या दोस्तों, नहीं दोस्तों गाड़ी खड़ा है ना, गाड़ी खड़ा है, ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कार का कैसा लग रहा है, वो गाड़ी खड़ा है और मैं फ़ोन से जूम एंड जूम आउट करके देख रहा हूँ। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी कर दी यार इन लोगों ने यहाँ की, अब क्या करूँ। चलो एक मिनट सामने वाले पे देख लेता हूँ कि सामने वाले पे गार्ड खड़ा है नहीं, क्योंकि ये वाले गेट ऐसे हैं जहाँ से हम व्हीकल के साथ जा सकते हैं।
ओह शिट, ये भी गाड़ी है कोई और ही है। हाँ गार्ड तो खड़ा है, एक अंदर भी बैठा है एक बाहर भी खड़ा है, एक अंदर भी बैठा है और एक बाहर भी खड़ा है, तो यहाँ से भी जाना भाई इम्पॉसिबल ही है। दूसरे रास्ते चलते हैं, शायद इस वाले पे हो या ना हो, बट दोस्तों इस पे भी होगा। ये वाला तो मेन ही है डेविन मेस्टन का, तो मुझे एक आइडिया तो आया है, शायद मैं वहाँ से पीछे वाले रास्ते से जा सकता हूँ। एक मेरे को पीछे का भी रास्ता याद है, ख्याल से पीछे वाले रास्ते से जाना ठीक भी रहेगा, पीछे वाले रास्ते चलते हैं। अब आप सभी लोगों को भाई कौन सा पीछे का रास्ता है, भाई मेरे को पीछे का रास्ता भी याद है यहाँ पर जाने का। अभी मैं ज़रा रॉन्ग भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बट यहाँ की अगर पुलिस ने देख लिया ना ऐसी तैसी कर देंगे मेरी, पुलिस वालों ने अगर देख लिया। मैं शायद पार्किंग लॉट में से निकाल लूँगा गाड़ी, अब यहाँ से निकाल ले, पार्किंग लॉट में से निकाल ले आराम से। एक ही गाड़ी खड़ी है यार यहाँ पे, तो यहाँ पर तो मैं कार्स भी बहुत सारी चुरा सकता था भाई। जिसकी कार है बेचारे की, मैं कितनी बचा बचा के निकाल रहा हूँ बट फिर भी ठुक गई भाई। अब मेरी तो कोई गलती नहीं दोस्त उसके अंदर, क्योंकि मुझे पीछे वाले रास्ते से जाना है, और पीछे वाले रास्ते ये जो यहाँ पर ये है ना कस्टम्स वाला, ये मेरा जानने वाला ही है। बुगाटी शिरोन भी तो मैंने इनसे ठीक कराई थी, ये बंदा बहुत बढ़िया है, जानने वाला है, बहुत अच्छा है। तो वहाँ जाने के लिए हमें गाड़ी को नीचे उतारना पड़ेगा इसे। एक पीछे का रास्ता है दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर जाने का, जिससे आप सब हम सब जा भी सकते हैं। चलो ओ माय गॉड, दोस्तों शायद आप देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी, अभी नहीं, अभी आप भी नहीं देख पा रहे होंगे, अभी देखोगे, रुक जाओ, वेट आई विल शो यू। अरे भाई ये गाड़ी भी भाई अजाब ही है यार, कैसे चल रही है। चलो नहीं यार यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ से तो चोरी भी करनी इम्पॉसिबल ही हो जाएगी उसे। है क्या, नहीं दिख रहा दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख रहा यार यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा मुझे। यहाँ से इस गाड़ी को ना यहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी, पैदल ही जाना पड़ेगा अंदर। गाड़ी तो लेके भी नहीं जा सकता मैं अंदर, अरे वर्कर्स खड़े हैं यार। चलो कोई बात नहीं, इतना भी कोई नहीं पूछता है, बोल दूंगा मीडिया से हूँ, बेसिकली वो लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं और हम चुपचाप निकल भी जाएंगे। पर भाई उन्होंने हुलिया तो पहचान ही लिया है ना, हमारे पास कुल्हाड़ी भी है, एक मिनट में, बस एक मिनट ही लगेगा। ओके तो दोस्तों ज़रा सा भी मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस इन चीज़ों के अंदर। तो जो भी आपको अगर दिख रहा है ना कि आपको किसी के ऊपर अगर शक है कि वो बंदे ने आपको पहचान लिया है, फिर आपके बारे में आपको जो रिवील कर सकता है, तो आप उसको जो है सीधा गोली मतलब मार ही दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी वो जो गाड़ी है वो उस तरफ है, पीछे की तरफ, जिस तरफ सीधा है, तो वहाँ के लिए सबसे पहले मेरे को कोई एयरपोर्ट का ही व्हीकल उठा लेता हूँ मैं, ताकि ऐसा लगे कि मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, है ना दोस्तों। एयरपोर्ट में घुसने का इससे अच्छा तरीका तो देखो हो नहीं सकता पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि ये पीछे वाले रास्ते ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, और मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं यहाँ से बुगाटी शिरोन या पीछे वाले रास्ते से चोरी करके लेके गया था ना, जब सलमान खान वाली गाड़ी थी वो पीछे से चोरी करके ले गया था, उस वाले पीछे वाले हैंगर में खड़ी थी वो, तो उसकी वजह से। शायद मेरे को कोई व्हीकल एयरपोर्ट वाला या फिर कोई ट्रक वगैरह उठाना चाहिए उधर पीछे जाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि मैं उठा भी पाता हूँ, कोई मिलता भी है या नहीं। ओहो ओहो ये रहा, बट मुझे इससे छीनना पड़ेगा। अरे नहीं, वहाँ पर बंदे भी बहुत सारे खड़े हैं, अभी तो मैं कोई छीना चपटी कर भी नहीं सकता उस किसी के भी साथ,
वरना पुलिस वाले खड़े हैं भाई। ओके तो यहाँ पर ये ट्रक भी है, नहीं ट्रक भी नहीं ले सकता, कहीं पर खड़ा हुआ मिल जाए ना तो मज़ा भी आ जाए, कोई एयरपोर्ट के अंदर की कोई गाड़ी या फिर कुछ भी ऐसा सामान मिल जाए जिससे कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ओ खड़ा हुआ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया दोस्तों मिल गया। चलो इसे तो बेसिकली मैं लेकर भी चला जाऊँगा। दोस्तों इससे हम बहुत ही आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अगर मैं ये वाला लेकर भी जाऊँगा ना तो ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा पब्लिक को। आराम से चलाता हूँ जैसे मैं एक वर्कर हूँ, ज़्यादा तेज़ भी भगाने की तो ज़रूरत है नहीं दोस्तों, क्या ज़रूरत है ज़्यादा तेज़ भी चलाने की, आराम से अपना चलाते रहो। एक किनारी लाइन में, ओ माई गॉड, बहुत सारी प्रोमेडिक वगैरह टीम खड़ी है। ओ माय गॉड सिक्योरिटी देख रहे हो कितनी ज़्यादा टाइट है भाई, तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है सिक्योरिटी, मेरे को ज़रा इधर से जाना चाहिए और बस यहीं पर इसको जो ट्रक को है ना यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लगाऊंगा ना तो बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर लगा के अपना चुपचाप पैदल निकल जाता हूँ। तो गाइस ट्रक मैंने वहाँ पर सामने लगा दिया और मैं बहुत ही आराम आराम से चल रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुलिस वाले ऑफिसर्स हैं, अभी मैं अपना फ़ोन हाथ में लेकर चलता हूँ तो ज़्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा, फ़ोन हाथ में लेके जैसे मैं फ़ोन चला रहा हूँ बस ये चलता जा रहा हूँ, तो ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं एक जस्ट एक उसके लिए अभी एक पुलिस वाले ने पूछा यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जस्ट सर जो गाड़ी आई है उसके फ़ोटो खींचने, उन्होंने कहा कोई बात नहीं दूर से खींचना दूर से खींचना, उन्होंने सबने ये कहा। तो गाइस कार वो खड़ी है ज़्यादा, ओके ओके ज़्यादा पास जाने की भी इजाज़त नहीं है इस कार के, तो मैं यहीं से फ़ोटो खींच लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा पास भी जाने की इजाज़त नहीं दे रखी है। दोस्तों वो खड़ी है देखो गाड़ी पीछे, देख पा रहे हो भाई चांदी की गाड़ी, भाई क्या लुक प्रोवाइड कर रही है, इसका फ़ोटो खींचता हूँ क्योंकि लेस्टर को दिखाऊंगा ना, लेस्टर को भी दिखाने के लिए रख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर फोन सर, ओ सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, ओ भाई गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ भाई साहब, ओ भाई मैंने तो जस्ट कुछ किया भी नहीं था यार दोस्तों, ओ माय गॉड भाई क्या बंदे हैं यार ये, अब मुझे घर जाना है यार अपने। ओ भाई साहब कल वे को कैसे छल्ली कर दिया भाई, ओ माय गॉड। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताना चाहूँगा ये जो मिशन हम करने वाले हैं ये बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी आसान नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है वो बंदे मेरे पीछे हैं क्या, शायद शायद ओ माय गॉड गाइस आप बंदे देख पा रहे हो, तो मुझे सबसे पहले भी इस गाड़ी में बैठकर दोस्तों यहाँ से निकलना चाहिए, उसका सायरन बंद कर देना चाहिए भाई लोग, इन्होंने तो भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैंने सिर्फ उस बंदे को उसे मेरे ऊपर पता नहीं क्या शक हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं। अभी पुलिस का व्हीकल का सायरन बजाता हूँ, शायद ये खोल दे दरवाज़ा, वो खोल रखा है, इसे तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, इसे तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, तो खोलेगा ही अगर अंदर से कोई गाड़ी आ रही है और वो भी FIB वाली। ओ भाई साहब ओ भाई साहब ओ दोस्तों मुझे ये गाड़ी लगता है यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए, ये FIB वाली का जो व्हीकल है, और दोस्तों यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये पुलिस वाला है क्या, आई डोंट नो लगता है, लग रहा था दूर से पुलिस वाला है, तो यहाँ से कोई कार वगैरह चोरी करके दोस्तों निकलता हूँ फटाफट घर के लिए। मैं तो जस्ट फोटो ही खींचने आया था भाई, वो गाड़ी एकदम यार कैसे उन्होंने सब कुछ कर लिया आई डोंट नो।
अभी दोस्तों मुझे यहाँ से सीधा लेस्टर के पास जाना होगा सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हुई है ना ये कोई नॉर्मल नहीं है। उन्होंने एकदम पुलिस वालों ने एकदम इतनी टाइट सिक्योरिटी है, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी शक होता है ना एकदम मारना स्टार्ट कर देता है। और गाड़ी देख रहे हो कितनी हाई सिक्योरिटी में खड़ी कर रखी थी। ओ भाई इस टाइम पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा सख्ती चल रही है, तो कार चुरानी बहुत मुश्किल होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड कौन कौन देखना चाहता है, क्या जब ये गाड़ी मिलिट्री बेस में जाएगी तो क्या मुझे इस व्हीकल को इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी वहाँ से चुराना चाहिए या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके दोस्तों ज़रूर से बताना। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, 15,000 लाइक कंप्लीट करवा देना। अभी मैं जा रहा हूँ लेस्टर के पास प्लान डिस्कशन करने, और ये क्या हुआ पुलिस वाले ने सबसे पहले क्या किया, अभी उन्हें तो नहीं शक हो गया कि गाड़ी चोरी होने वाली है, कहीं वो गाड़ी को छुपा ना दे, कहीं वो लेकर ना जाए, वो अगले वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और हमारे भाई को बस प्यार दिखाते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।